मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हमारे पास एक है स्लज पम्प हंडाई का, आप देख सकते हैं ये 2 इंच का, ये इसकी डिटेल है। 1.5 किलोवाट का, 2 PH 220 का ये हंडाई का स्लज पम्प, जो जिस तरह अंडरग्राउंड हमारे पास टैंक होते हैं, ठीक है जी, स्लज पम्प या वेस्ट पाइप को, जो वेस्ट वाटर को हम निकालने के लिए बेसमेंट से, ग्राउंड से बाहर निकालने के लिए यूज़ करते हैं, उन पंपों में ये जो हंडाई का पंप है 2 इंच का, ये कमाल है। इसकी परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ बहुत अच्छी है। तो आज चलें आपको बताते हैं, हमारे पास टीम है फैसलाबाद में, शफीक हमारे जो हैं कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके बेटे हैं हमारे पास जी, जैन इनका नाम है, बड़े नाइस पर्सन है। जैन साहब कैसे हैं? ठीक हैं। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस, आपने पहले भी ये लगाया होगा यकीनन, तो ये बहुत अच्छा है। तो अच्छा, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए ये हम अभी आपको बताते हैं। 2 चीज़ें हैं, एक तो जिस तरह हमारे पास ये फ्लेक्सिबल पाइप, आपकी जितनी गहराई होगी तो उसके हिसाब से आपने इसकी लंबाई लेनी। हमने इसको तकरीबन 8 फुट लिया है, ठीक है जी। इसके साथ साथ आपको और क्या चाहिए चीज़ें, वो आपको बताते हैं जी। जैन बताएं ज़रा क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। देखें जी, ये है नोज़ल, ठीक है, ये वाली 1 अदद आपको नोज़ल चाहिए, जिसके साथ आपने वो ऊपर वाले पाइप को कनेक्ट करना है, ठीक है जी। और उसके बाद सेकंड क्या है जी हमारे पास जी, वाल साकट। इसमें ये दूसरी तरफ यहाँ पे चूड़ी होती है ना, तो जिसको कहते हैं वाल साकट। एक आपको चाहिए नोज़ल, दूसरी क्या है जी, वाल साकट। और इसके अलावा और क्या चाहिए जी, बोल्ट क्लंप दिखाएं ज़रा, दिखाएं ज़रा प्लीज़। ये इस तरह के हमें चाहिए बोल्ट क्लंप। कितने चाहिए जी? 2 अदद बोल्ट क्लंप चाहिए, ठीक है जी। पाइप हो गया हमारे पास, और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, जॉइंट क्लंप। ये देखें हमारे पास 6 mm की तार है ये, क्योंकि इसको तो हमने वो गंदे पानी में, वेस्ट में डाल देना है, तो उसको बाहर बाद में कभी रिपेयर करना पड़ जाए या उसकी सफाई करनी पड़ जाए तो इसको बाहर निकालना होगा। तो उसको पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, बाहर निकालने के लिए हमने जो यूज़ की है, ये स्टील वायर है 6 mm की, ये बहुत अच्छी है अगर आप देख सकते हैं। ये तो इसको होल्ड करने के लिए हमने क्या किया जी, जॉइंट क्लैंप जो है ये यूज़ किए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, जो लॉन्ग टाइम आपको जंग नहीं लगेगा, और इसको होल्ड करने के लिए, बाद में निकालने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास हैगी जी, क्या है जी, और हमें चाहिए जी ये रावल बोल्ट जो हुक है, आप पेच भी लगा सकते हैं किसी किस्म का। इससे ये होगा, इसको दीवार में लगा के इसके साथ हैंग हो जाएगी जो हमारी ये वायर है ना, ये इस तरह, ठीक है जी। तो ये भी, और ये हमारी केबल है जो पंप के साथ आती है। तो ये 2 इंची का हमारा स्लज पंप है हंडाई का, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। इसके साथ ये फ्लोट भी है, मतलब आपने अगर इसको चलाना है ऑटोमेटिक तो ये इसको इस हालत में ऊपर होगा, तो ये फ्लोट कर रहा होगा ना पानी में या स्लज में। तो अगर आपका नीचे है पानी का लेवल नहीं इतना, तो इसको किसी चीज़ से बांध के इसको, इसका लेवल अप कर दें, तो ये वर्किंग में बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये थी आज की वीडियो हमारी स्लज पंप की फ़िटिंग के लिए, आपको क्या क्या चाहिए और इस पे कितनी कास्ट आती है, इसकी सारी जो भी कीमतें मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपको लास्ट में एक तस्वीर शेयर करूँगा जिसमें इसकी सारी कास्ट जो डेट वाइज आज की मौजूद होगी। हमारे ये हैं जी सॉकेट हमारे पास 270 की, एक है तो 2 हैं। ये हमारे पास जो है नोज़ल हैं 450 की, तो 2 900 की। ये हमारे पास क्लैंप हैं 4 और 12 फुट 45 फुट के हिसाब से पाइप है, और दूसरे हमारे पास ये 4 क्लैंप हैं इसके, ठीक है जी। तो ये ऊपर नंबर भी मौजूद है, आप ले सकते हैं डेट वाइज। उसके बाद ये हमारे पास 2 जो है उसको हैंगिंग के लिए केबल 120 के, 8 अदर हमारे पास वो जो क्लैंप है 240 के, 15 फुट कपड़ा अपना, ये जो स्टील की 6 mm की तार है, तो ये टोटल 930। आप वीडियो रोक के देख सकते हैं। अच्छा जी, ये है हमारा ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ से ये नीचे बेसमेंट में हमारा टैंक है अंडरग्राउंड। ये हमने नीचे टैंक के अंदर अपना पंप फिक्स कर दिया। ये फ्लोर देखें तैर रहा है,
और उस स्टील वायर को हैंग कर दिया हमने क्लैंप के साथ। ये देखें सामने आपकी जो क्लैंप नहीं लगा, जो ये ऊपर नोज़ल है, ये ऊपर जो पाइप था उसके साथ उसको सॉल्यूशन की मदद से लगा दिया। ये देखें ये यहाँ पे हुक लगा दी गई है, ठीक है जी। तो ये फ्लेक्सिबल पाइप ये नज़र आपको आ रहा होगा ऊपर।